अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल फूड विद फरहा में आपका स्वागत है। तो आपको थंबनेल देख के आइडिया तो आ ही गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। सर्दियों के सीज़न में गाजरें बड़ी अच्छी आती है, तो इसमें सर्दियों के सीज़न में एक या दो बार तो हमारे घरों में गाजर के हलवे बन ही जाते हैं। तो इसे आसानी से हलवाइयों की तरह किस तरह बनाते हैं आइए देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है। जब भी गाजर का हलवा बनाए तो कोई भी खुला बर्तन यूज़ करें। उसमें मैंने ये 3 टेबलस्पून भर के घी ऐड किया है। ये प्योर और होममेड घी है, तो घी मेल्ट हो जाए। इसके बाद ये जो हमने गाजरें ली है, ये देखिए ये 1.5 किलो गाजर है। गाजर को अच्छी तरह से छील के और खुरच लिया है। कई गाजरों में बीच में पीला भाग भी होता है, तो वो पीला भाग हमें हटा देना है, नहीं तो गाजरें जल्दी पकेगी नहीं। तो ये देखिए अब हम गाजर हमारे घी में ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये 1.5 किलो गाजर थी, लेकिन छील के और वो बीच का भाग हटाने के बाद ये 1 किलो हो गई थी। तो ये देखिए अब हम इस तरह से इसे अच्छे से मिला के घी में अच्छी तरह से सेक लेंगे। अब ये कैमरा चालू करना भूल गई थी, तो मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया था। तो ये 1.5 लीटर दूध है। दूध के साथ जो फुल फैट मिल्क आता है वही यूज़ करना है। अगर आपने दूध गर्म कर दिया तो इसकी मलाई भी इसमें ऐड कर देनी है। तो देखिए 1.5 लीटर दूध है, 1.5 लीटर गाजरों में 1.5 लीटर ही दूध लेना है, ठीक है। तो अब हम इस दूध के साथ हमारी गाजरों को अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखिए कुछ 20 मिनट के बाद ये गाजरें और दूध इस तरह से हो जाती है। हमारी गाजर जो है वो अच्छी तरीके से गल चुकी है। हमें दूध को अच्छी तरह से सुखा लेना है। तो इसी तरह देखिए, पहले तो आप नहीं हलाएंगे तो चलेगा, लेकिन बाद में इसी तरह हमें हलाते हुए पकाना है ताकि हमारा जो दूध है वो तले में लगे नहीं। तो ये देखिए हमारा दूध अच्छे से सूख चुका है। अब 1.5 किलो गाजर में मैंने 150 ग्राम शुगर ऐड की है। हमारे यहाँ शुगर कम खाते हैं, अगर आप चाहो तो आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें शुगर फ्री ऐड कर सकते हो इस टाइम पर। तो ये देखिए हमने शक्कर मिला के अंदर से और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब शक्कर का देखिए कितना सारा पानी छूटा है, तो अब हमें शक्कर का पानी भी जलाना होगा। वहाँ तक ये मैंने 3-5 से 6 हरी इलायची ले ली है। तो अब हम इस हरी इलायची को क्रश कर लेंगे, अच्छी तरह से हाथों से कूट लेंगे। आप चाहो तो इसे मिक्सर जार में भी फिरा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ हाथों से कूट लिया है। तो ये इलायची अब हम इस हलवे में ऐड कर देंगे और इसका पानी सूखने तक हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। हमारा गाजर का हलवा देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है। अब हमने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए। मैंने काजू बादाम और पिस्ते लिए। आप चाहो तो इसमें वॉलनट और दूसरे सब ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने ये 3 ही ड्राई फ्रूट लिए। और काजू को देखिए बीच में से फाड़े कर दिए। इसे हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे और बाकी के ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन गाजर के हलवे में ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए अब हमारे हलवे में से शक्कर का भी पूरा पानी सूख चुका है। तो अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे। क्योंकि हम हलवाई के स्टाइल बना रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ 1.5 किलो गाजर में 250 ग्राम खोया लिया है। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, ये बड़े मज़े का लगता है। लेकिन अगर हमें दुकान जैसा हलवाई जैसा बनाना है तो हमें इसमें खोया ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब खोया ले लिया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे इस तरह से चमचे की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि एक भी लम्स इसमें न रह जाए, और खोया हमेशा ताज़ा ही यूज़ करना है। ये मैं यहाँ पर मेरी सास अम्मी के लिए हलवा निकाल रही हूँ, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट नहीं चबा सकते। तो आपके घर में भी अगर कोई ऐसा हो तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। अब हम इसमें एक और स्टेप करेंगे, और ये स्टेप ज़रूर करना जिससे गाजर का हलवा हमारा बाजार जैसा ही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी कढ़ाई ले ली है, उसमें 3 टेबलस्पून भर के घी ले लिया है। और अब हम इसी घी में हमारा जो ड्राई फ्रूट है ना, उसे रोस्ट करेंगे। इससे हमारे हलवे का टेस्ट बहुत अमेजिंग आएगा। अगर आप इस तरह से एक बार हलवा मेरी तरह से बना के देखिए, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। इससे खुशबू भी अच्छी आती है और हमारे हलवे में शाइनिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा हलवा एकदम रेडी हो चुका है। और हाँ, देखिए खोया ऐड किया ना, उसके बाद हमें गैस बंद कर देना है। हमारे गैस की फ्लेम हमें चालू नहीं रखनी है और पूरा हलवा हमें लो फ्लेम पे पकाना है।
तो ये देखिए अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। और जो हमने काजू के टुकड़े निकाले थे ना, तो वो काजू के टुकड़े अब हम इसके ऊपर सजा देंगे। तो देखिए हमारा गाजर का हलवा कितना अच्छा और कितना टेस्टी लग रहा है, एकदम माउथ वार्मिंग बना है। तो मुझसे तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हुआ, तो मैंने तो उसी टाइम पे खा लिया था। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम इस हलवे को 8 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी हलवा खाए तो उसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करके और फिर उसे गर्म करके खाए। अल्लाह हाफिज़।